मिशन 2022 फतेह करने के लिए मैदान से लेकर पहाड़ तक रैलियों और जनसभाओं का दौर चल रहा है। और इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड का एक बार फिर दौरा किया। उन्होंने देहरादून के परेड ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित किया और एक्स सर्विस मैन के लिए सरकारी नौकरी देने के प्रावधान करने का ऐलान भी किया है। केजरीवाल ने नव निर्माण के लिए नव परिवर्तन अभियान का शुभारंभ किया। तय कार्यक्रम के मुताबिक सबसे पहले सीएम केजरीवाल जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से सीधे बीजापुर गए और उसके बाद एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उत्तराखंड का रहने वाला कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा, किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा कहीं भी, या उत्तराखंड पुलिस का कोई भी सिपाही या पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी सैनिक उत्तराखंड का रहने वाला अगर किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा, उसके परिवार को सम्मान पूर्वक हमारे मुख्यमंत्री कर्नल और पोटियार उनके घर जाके 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देते हैं। अभी कर्नल पोटियार से लंबी चर्चा हो रही थी, एक फौज में काम करने वाला जवान, कर्नल साहब 17-18 साल की उम्र में वो भर्ती होता है, 17.5 साल की उम्र में वो भर्ती होता है फौज में, 17 साल नौकरी करता है और 34-35 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाता है। फौज में करने वाला जो बंदा है जिसने 17 साल फौज में काम कर लिया, आप सोच सकते हो कि उसके अंदर देशभक्ति कितनी टूट फूट के भरी होगी। आप सोच सकते हो कितना अनुशासन प्रिय होगा, डिसिप्लिन होगा। आप सोच सकते हो फौज के अंदर उसे तरह तरह के काम करवाते हैं, ब्रिज बनवाते हैं, सुरंगें बनवाते हैं, लड़ाई करवाते हैं, किस्म किस्म के काम कराते हैं, लेकिन रिटायर होने के बाद 34-35 साल के बाद वो यहां पे आके नौकरी ढूंढ रहा होता है। अब नहीं होगा। एक एक सर्विसमैन जो 34-35 साल की, एक एक हमारा जवान जो रिटायर होकर आएगा वो उत्तराखंड के नव निर्माण के अंदर भागीदार बनेगा, उसको सीधे उत्तराखंड सरकार के अंदर नौकरी दी जाएगी। अगर दिल्ली के अंदर हम लोग 5 साल में स्कूल इतने अच्छे कर सकते हैं, दिल्ली के अंदर अगर हम इतने शानदार सरकारी स्कूल कर सकते हैं, 75 साल के अंदर बीजेपी कांग्रेस वाले स्कूल ठीक नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे, नहीं करे इन्होंने, जानबूझे नहीं करे इन्होंने, जानबूझे अपने बच्चों को गरीब रखा, अनपढ़ रखा। मैंने कसम खाई बाबा साहब का सपना मैं पूरा करूंगा। मैंने सुना है कि उत्तराखंड में भी खूब पावर कट रखते हैं, रखते नहीं रखते हैं, बिजली खूब जाती है उत्तराखंड में, 24 घंटे बिजली चाहिए नहीं चाहिए, बात करेगा क्या बताओ, बिजली चाहिए नहीं चाहिए 24 घंटे। और इनके बीजेपी वालों की बस्ती है नहीं, 10 साल में निकल पाए तो क्या करेंगे? कांग्रेस वालों की बस्ती है नहीं, 10 साल में निकल पाए तो क्या करेंगे? एक मौका आम आदमी पार्टी को देकर देखो, जैसे दिल्ली में 24 घंटे बिजली कटी है, ऐसे ही उत्तराखंड के अंदर भी 24 घंटे बिजली कटी है। ये एक एक मंत्री है ना, आपके धामी साहब है, धामी साहब को महीने में 5,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, एक महीने में 5,000 यूनिट। इतने जितने मंत्री हैं आपके, हर मंत्री को 4,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है महीने की। अगर मेरी पब्लिक को मैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे दूं महीने की, तो इनको मिर्ची लगती है, इनको तकलीफ होती है। तुम्हारी बिजली मुफ्त हो तो कोई दिक्कत नहीं, जनता की बिजली मुफ्त नहीं होनी चाहिए, जनता की बिजली मुफ्त नहीं होनी चाहिए। 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली, ये वरदान है मेरे को। ऊपर वाले ने केवल मेरे को फॉर्मूला दिया है, मेरे को भरोसा पर करना, बाकी सारे झूठे हैं, बाकी सारे नकलची हैं। ये बीजेपी की सरकार ने नौकरी नहीं दी क्या आपको? ये 10 साल कांग्रेस की सरकार की, इन्होंने नौकरी नहीं दी आपको? ठीक है, हम देंगे आपको नौकरी, आम आदमी पार्टी की सरकार देगी, कर्नल कोटियार साहब नौकरी देंगे, हमें नौकरी देनी आती है। मैं दिल्ली में 10 लाख लोगों को नौकरी दी है, मैंने 10 लाख बच्चों को नौकरी दी है।
वो कह रहे हैं मंत्रियों ने बेटों को नौकरी दी है, हमें नौकरी नहीं दी। 10 लाख नौकरी दिल्ली में दी है, उत्तराखंड के बच्चों को भी नौकरी देंगे।